चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सस्ते वाले बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, जो कि आपको 20 से 21,000 की कीमत में मिल जाते हैं। आज हम आपको पूरे 5 सस्ते वाले फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बताएंगे और इन सभी स्मार्टफोन में आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिलेंगे। हाई लेवल की गेमिंग करने के लिए फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, साथ में हाई क्वालिटी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, DSLR जैसी कैमरा क्वालिटी के लिए फ्लैगशिप फोन जैसा कैमरा मिलेगा, साथ में 5G नेटवर्क होगा एंड एक बेस्ट एंड तगड़े वाला नॉन चाइनीज स्मार्टफोन भी यहां पर आपको मिल जाएगा। यानी कि सभी के सभी स्मार्टफोन प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट स्पेक्स के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको लेना है 20,000 के बजट में एक सस्ता फ्लैगशिप फोन, तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने इन सभी फोन्स की रैंकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर की है, बट हमने फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को दी है। तो चलिए बात करते हैं 5वें नंबर के फोन की। ये स्मार्टफोन है Realme 8 Pro। ये नंबर 5 पर इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीजें मिसिंग है। Realme 8 Pro में सिंगल स्पीकर लगा है, जबकि इस प्राइस रेंज के अदर फोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं और इसमें 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और इसका टच सैंपलिंग रेट गेमिंग के टाइम पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और वैसे भी 20,000 वाले मोस्टली फोन में 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। तो यहाँ पर ये दो चीजें इस स्मार्टफोन के अंदर मिसिंग है। अब इसके मेन स्पेक्स की बात करें, स्टार्ट करते हैं इसकी पैरिसी डिस्प्ले से। 6.4 इंच वाली फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है। टच सैंपलिंग रेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एंड इसमें 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, जो स्मूथनेस आपको एक एवरेज लेवल की देगा। पर दोस्तों, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है, जो काफी अच्छी बात है, साइड माउंटेड नहीं है, इससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो पिछले तीन जनरेशन से Realme 6 Pro, Realme 7 Pro एंड इसमें Realme 8 Pro में बिल्कुल सेम प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 720G का। ये 8nm पर आधारित है। अगर इसके अंतर स्कोर के बारे में बात करें तो 280,000 के आसपास इसका अंतर स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स में इससे आप गेमिंग कर पाएंगे। गेमिंग के लिए ये फोन बिल्कुल अच्छा है। कैमरा इस फोन का आपको फ्लैगशिप लेवल की फील देगा, क्योंकि इसके बैक में 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। कैमरा ही इस फोन का सबसे हाईलाइट है एंड रियली इट्स वर्क वेरी गुड। 4500mAh की बैटरी है, 50 वोल्ट का डार्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर ही मिल जाएगा और इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पूरे 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो लिसन गाइस, अगर आपको अंडर 20,000 रियलमी का एक बेस्ट कैमरा फोन लेना है तो आप लोग इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। चौथे नंबर पर आता है पोको X3 Pro। 20,000 के प्राइस सेगमेंट में ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में राजा है, क्योंकि इस फोन में लगा है स्नैपड्रैगन 860 का द मोस्ट पावरफुल चिपसेट। इस फोन से आप किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को वेरी इजीली खेल पाएंगे। इवन हाई गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हीट भी नहीं करेगा, बट यार ये स्मार्टफोन आपको हल्का सा भारी लग सकता है। एंड गाइस, पोको X3 Pro में आपको टोटली एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी। चलिए अब इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 6 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है एंड 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट इसकी डिस्प्ले में आपको मिल जाता है, प्लस 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। तो यार डिस्प्ले बिल्कुल मस्त है, एकदम स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस इस फोन की डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। 5160mAh की बैटरी मिलती है, 33 वोल्ट का चार्जर आपको डिब्बे में ही मिल जाएगा। अब बात करें कैमरा की, बैक में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई इसका कैमरा हाईलाइट नहीं है और इसके कैमरे के अंदर ज्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है। इसका कैमरा एकदम एवरेज परफॉर्म करता है। कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को आप परचेज मत करना, बट परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको काफी तगड़ी मिलेगी। और ये फोन 6GB और 8GB दो रैम ऑप्शन में मिलता है और इसके 8GB रैम के लिए आपको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यार अगर आपको 20,000 के बजट में एक तगड़ी एंड फ्लेक्सी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग पोको X3 Pro को परचेज कर सकते हो। अब नंबर 3 की बात करते हैं और ये एक नॉन चाइनीज फोन है और इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M51। जिस गाइस थोड़ा पुराना जरूर है, बट स्टिल अब भी ये सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन है 20,000 के बजट में। अब बात करें इसके स्पेक्स की। 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है। डिस्प्ले एकदम हाई क्वालिटी की है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। तो भाई डिस्प्ले वाइज ये काफी कमाल का है। इसमें आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिलेगी और सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, जिससे आप लो टू हाई सेटिंग्स में किसी भी गेम को वेरी इजीली खेल पाएंगे। गेमिंग में भी यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी और डेली यूजेज के लिए तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल मक्खन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सबसे हाईलाइट पॉइंट की, कैमरा की। बैक में 64 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है
और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सच में यार इसके कैमरे के अंदर आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की फील मिलेगी। काफी तगड़े लेवल के फोटोज इसके दोनों कैमरों से आप क्लिक कर पाएंगे एंड इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके सबसे हाईलाइट पॉइंट की, यानी कि बैटरी की। इसमें 7000 mAh का बड़ा बैटरी लगा है, जिसको चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट का चार्जर आपको डिब्बे में ही मिल जाएगा। और इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको 19,999 रूपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको एक नॉन चाइनीज और बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है, देन डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M51 एक बेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन के अंदर आपको कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी एंड परफॉर्मेंस सभी चीजें काफी कमाल की मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पर आता है मोटो H20 फ्यूजन। ये स्मार्टफोन 20,000 के बजट में सबसे ज्यादा फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है और इसमें आपको IP52 का सर्टिफिकेशन मिलता है और सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले ठीक है, डायमेंसिटी 800U का चिपसेट है जो 7nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये स्मार्टफोन 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी, डेली यूजेज के लिए ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर आपको काफी मजा आएगा। बैक में 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। पर यार अभी के टाइम पर इसके दोनों कैमरे के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है अपडेट के बाद इसके कैमरा इशू ठीक हो जाएं। 5000 mAh की बैटरी है और 30 वोल्ट का डार्ट चार्जर आपको डिब्बे में ही मिल जाएगा और इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको डिस्काउंट लगाकर 20,424 रूपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको 20,000 के बजट में एक फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन लेना है तो डेफिनेटली मोटो H20 फ्यूजन आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों अब टाइम आ चुका है पहले नंबर के बारे में बात करने का और पहले नंबर पर आता है Redmi Note 10 Pro Max। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, प्लस 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। पर डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल की यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है जो आपको एक अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके बैक में 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई इसके दोनों कैमरे काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं एंड इसका बैक कैमरा तो आपको फ्लैगशिप लेवल की फील देगा और इसकी टक्कर का कैमरा अभी के टाइम पर आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट में किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। 5020 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का चार्जर आपको डिब्बे में ही मिल जाएगा एंड गाइस इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर लगे हैं, सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिल जाता है और इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको 19,000 रूपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको 20,000 के बजट में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है, देन डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro Max एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। तो भाई ये थे 20,000 में आने वाले 5 सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन जो आपको हर फील्ड के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे एंड इनमें आपको कहीं ना कहीं एक फ्लैगशिप लेवल की फील जरूर मिलेगी। वैसे मैंने आपको इन सभी स्मार्टफोन के बारे में बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, पर अगर फिर भी अब भी आप लोगों का कोई डाउट है, उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोगों के पास मोटो H20 फ्यूजन का इकलौता ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 को परचेज कर सकते हो, बट अगर आप लोग चाइनीज स्मार्टफोन खरीद सकते हो तब आप लोगों के पास Redmi Note 10 Pro Max आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता Redmi Note 10 Pro Max को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।